स्वास्थ्य विभाग संघर्ष कमेटी पंजाब के बुलावे पर पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के सिविल सर्जन दफ्तर के समक्ष मल्टीपर्पज हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन के जिला अध्यक्ष हरमिंदर पाल की अगुवाई में सेहत कर्मचारियों की तरफ से अपने मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू की गई। इस मौके पर हरमिंदर पाल सिंह ने बताया कि उनकी तरफ से आज से यह भूख हड़ताल शुरू की गई है। ये हड़ताल 6 अगस्त तक चलेगी। इसके बावजूद भी सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो 7 अगस्त को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मोती महल का घेराव किया जाएगा। आपको बता दें, सरकार की तरफ से कोविड-19 के मद्देनजर दी गई गाइडलाइन को देखते हुए सिर्फ 5 वर्कर ही रोजाना भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस मौके पर मल्टीपर्पज हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन के जिला अध्यक्ष हरमिंदर पाल सिंह व हेल्थ वर्कर संजय कुमार ने बताया कि उनकी तरफ से ये भूख हड़ताल फिलहाल 6 अगस्त तक चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं, जिनमें NHM 2211 में ठेके पर आधारित मल्टीपर्पज हेल्थ वर्करों को पक्का किया जाए, 1263 मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स को प्रिवेंशन पीरियड 2 वर्ष करना, इसके अलावा कोविड-19 दौरान मल्टीपर्पज वर्करों की तरफ से निभाई भूमिका के बदले में सभी को स्पेशल इंक्रीमेंट दिया जाए। वहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द उनकी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो आगामी 7 तारीख के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का घेराव किया जाएगा, जिसमें पंजाब भर से हेल्थ वर्कर भाग लेंगे। 3 मुख्य मंगा ने जी। पहली मंग तो यह है भी जिन्हें भी साढ़े सेहत विभाग के मल्टीपर्पज काम है, कंट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं 10-10, 11-12 साल तो, उन्होंने पैसे के आधार से रेगूलर किया जाए। तो दूसरी मंग साड़ी ये है कि साढ़े विभाग के 1263 मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल ने जोड़े वो काम कर रहे हैं, उन्होंने जोड़ा परखकाल समा है वो 3 साल का। जो उन्होंने परखकाल समा 3 साल का ही रहा तो उन्होंने 10,000 रुपया तनखा मिलती है, जो गुजारा नहीं होंगे है। इस करके वो उन्होंने परखकाल समा जो घटा के 2 साल का सरकार करे ता जो उन्होंने पूरी तनखाह मिले, उन्होंने जोड़ा गुजारा वधिया तरीके ने चल सके। तीसरी मंग साड़ी ये है कि कोविड-19 के जोड़े मल्टीपर्पज कामे ने जिन्होंने पहली कतार के काम किया मल्टीपर्पज कामे ने सारे ने भी उन्होंने एक स्पैशल इंक्रीमेंट दिता जाए। सर ये 3 मंगा ने सर। जी भुख हड़ताल हैगी है 24/7/2020 तो लैके 6/8/2020 तक ये रेगूलर जी सा भुख हड़ताल है, ये 9 to 5 तक शाम के रहेगी। सो ये सरकार हदायतों मुताबिक 4-5 वर्करों तो वध कोई बैठ नहीं सकता। इस विच साढ़े सारे वर्कर अपनी छुट्टी लैके इत्थे हाजिर होंगे, हर रोज़ 5 वर्कर है जोड़े वो इतने भुख हड़ताल से बैठे चेंज होकर बदल बदल के। सो साड़ी जी सरकार अगे यही डिमांड है, साड़ी मुख मंगा ने जड़िया साड़िया कि जड़िया साड़िया यूनियन फीमेल वर्कर काम कर रही ने 12-15 साल हो गए उन्होंने लगभग, उन्होंने जोड़ा घट तनखा के गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। सो जड़िया सरकार ने इन अगेंस्ट पोस्टा क्ढ़िया ने कुछ ANM दियाँ मेल वर्कर दियाँ, तो इन दी तनखाह है और इन्हों रेगूलर किया जाए तो इन्हों बनती तनखा इन्हों दी जाए। तो दूजी साड़ी मंग हैगी है कि जो 1263 मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल भर्ती किए थे सरकार ने 2018 जो परख काल समा से वह 3 साल का सी। सो उन्हें परखकाल समय दौरान जी हैगी साड़ी तनखा है जी सू 10,300 ही दी जा रही है। सो साड़ी सरकार अगे बेनती है कि साडा जिहड़ा परखकाल समा जिहड़ा 3 साल तो घटा के 2 साल का किया जाए ता जो हर वर्कर का हर फैमिली का जिहड़ा गुजारा आसानी ना हो सके। तो तीजी मुख्य डिमांड साडी हैगी है जी कोविड-19 दे विच सारे वर्कर ने मेल वर्कर या फीमेल वर्कर ने ऑल फील्ड स्टाफ है जिहड़ा वो वध चढ़ के काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पर होके अगे होके काम कर रहे हैं पहली कतार च। सो सरकार नूं साडी तीजी जिहड़ी मंग हैगी आ वो ये हैगी कि इस दौरान सानू एक स्पैशल इनक्रीमेंट दिता जाए। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से अमित शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूँ। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।